वो गली की उस नुक्कड़ पर छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी और उसकी माँ उसे चाली बड़े मकान जिसमें कई मंजिलें और कई छोटे छोटे कमरे होते हैं में ढूंढ रही थी। किशोरी को अपनी खोली में बिठाकर और बाहर वाले से कॉफ़ी चाय लाने के लिए कहकर वो इस चाली की तीनों मंजिलों में अपनी बेटी को तलाश कर चुकी थी, मगर जाने वो कहाँ मर गई थी। संडास के पास जाकर भी उसने आवाज़ दी, ए सुरीता, सुरीता, मगर वो तो चाली में थी ही नहीं। और जैसा कि उसकी माँ समझ रही थी, अब उसे पेजेस की शिकायत भी नहीं थी। दवा पिए बगैर उसको आराम आ चुका था और वो बाहर गली के उस नुक्कड़ पर जहाँ कचरे का ढेर पड़ा रहता है छोटी छोटी लड़कियों से खेल रही थी और हर किस्म के फिक्रो तरद्दुद से आज़ाद थी। उसकी माँ बहुत मुतफक्कर थी। किशोरी अंदर खोले में बैठा था और जैसा कि उसने कहा था, दो सेठ बाहर बड़े बाजार में मोटर लिए खड़े थे, लेकिन सुरीता कहीं गायब ही हो गई थी। मोटर वाले सेठ हर रोज तो आते ही नहीं, ये तो किशोरी की मेहरबानी है कि महीने में एक दो बार मोटी असामी ले आता है, वरना ऐसे गंदे मोहल्ले में जहाँ पान की पीकों और जली हुई बीड़ियों की मिली जुली बू से किशोरी घबराता है, सेठ लोग कैसे आ सकते हैं। किशोरी चूंकि होशियार है इसलिए वो किसी आदमी को मकान पर नहीं लाता, बल्कि सुरीता को कपड़े वपड़े पहनाकर बाहर ले जाया करता है और इन लोगों से कह दिया करता है कि साहब लोग, आजकल ज़माना बड़ा नाजुक है, पुलिस के सिपाही हर वक्त घात में लगे रहते हैं। अब तक 200 धंधा करने वाली छोकरियाँ पकड़ी जा चुकी हैं, कोर्ट में मेरा भी एक केस चल रहा है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। सुरीता की माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो नीचे उतरी तो सीढ़ियों के पास रामदाई बैठी बीड़ियों के पत्ते काट रही थी। उससे सुरीता की माँ ने पूछा, तूने सुरीता को कहीं देखा है? जाने कहाँ मर गई है? बस आज मुझे मिल जाए वो चार चोट की मार दूंगी कि बंद बंद ढीला हो जाए। लोठा की लोठा हो गई है पर सारे दिन लोंडों के साथ कटकड़े लगाती रहती है, रामदाई बीड़ियों के पत्ते काटती रही और उसने सुरीता की माँ का जवाब ना दिया। दरअसल रामदाई से सुरीता की माँ ने कुछ पूछा ही नहीं था, वो यूं ही बड़बड़ाती हुई उसके पास से गुजर गई। जैसा कि उसका आम दस्तूर था, हर दूसरे तीसरे दिन उसे सुरीता को ढूंढना पड़ता था और रामदाई को, जो कि सारा दिन सीढ़ियों के पास पटारी सामने रखे बीड़ियों पर लाल और सफ़ेद धागे लपेटती रहती थी, मुखातिब करके यही अल्फाज दोहराया करती थी। एक और बात वो चाली की सारी औरतों से कहा करती थी, मैं तो अपनी सुरीता का किसी बाबू से ब्याह करूंगी, इसीलिए तो उसे कहती हूं कि कुछ पढ़ लिख ले, यहां पास ही एक स्कूल म्युनिसिपैलिटी ने खोला है, सोचती हूं इसमें सुरीता को दाखिल करा दूं। बहन, इसके पिता को बड़ा शौक था कि मेरी लड़की लिखी पढ़ी हो। उसके बाद वो एक लंबी आह भरकर आमतौर पर अपने मरे हुए शोहर का किस्सा छेड़ देती थी, जो चाली की हर औरत को जुबानी याद था। रामदाई से अगर आप पूछें कि अच्छा, जब सुरीता के बाप को, जो रेलवाई में काम करता था, बड़े साहब ने गाली दी तो क्या हुआ, तो रामदाई फौरन आपको बता देगी कि सुरीता के बाप के मुंह में झाग भर आया और वो साहब से कहने लगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, सरकार का नौकर हूँ, तुम मुझ पर रोब नहीं जमा सकते, देखो अगर फिर गाली दी तो ये दोनों जबड़े हलक के अंदर कर दूंगा। बस फिर क्या था, साहब ताव में आ गया और उसने एक और गाली सुना दी। इस पर सुरीता के बाप ने गुस्से में आकर साहब की गर्दन पर धूल जमा दी कि इसका टोप 10 गज पर जा गिरा और इसको दिन में तारे नजर आ गए। मगर फिर भी वो बड़ा आदमी था, आगे बढ़कर उसने सुरीता के बाप के पेट में अपने फौजी बूट से इस जोर की ठोकर मारी कि उसकी तली फट गई और वही लाइनों के पास गिरकर उसने जान दे दी। सरकार ने साहब पर मुकदमा चलाया और पूरे 500 रुपए सुरीता की माँ को उससे दिलवाए, मगर किस्मत बुरी थी, उसको सट्टा खेलने की चाट पड़ गई
और 5 महीने के अंदर अंदर सारा रुपया बर्बाद हो गया। सुरीता की माँ की जुबान पर हर वक्त ये कहानी जारी रहती थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि ये सच है या झूठ। चाली से किसी आदमी को भी सुरीता की माँ से हमदर्दी ना थी, शायद इसलिए कि वो सब के सब खुद हमदर्दी के काबिल थे, कोई किसी का दोस्त नहीं था। इस बिल्डिंग में अक्सर आदमी ऐसे रहते थे जो दिन भर सोते थे और रात को जागते थे, क्योंकि उन्हें रात को पास वाली मिल में काम पर जाना होता था। इस बिल्डिंग में सब आदमी बिल्कुल पास रहते थे, लेकिन किसी को एक दूसरे से दिलचस्पी ना थी। चाली में करीब करीब सब लोग जानते थे कि सुरीता की माँ अपनी जवान बेटी से पेशा कराती है, लेकिन चूंकि वो किसी के साथ अच्छा बुरा सलूक करने के आदि ही ना थे, इसलिए सुरीता की माँ को कोई झुठलाने की कोशिश ना करता था। जब वो कहा करती थी, मेरी बेटी को तो दुनिया की कुछ खबर ही नहीं। अलबत्ता एक रोज सुबह सवेरे नल के पास जब तकाराम ने सुरीता को छेड़ा था, तो सुरीता की माँ बहुत चीखी चिल्लाई थी, इस मुए गंजे को तू क्यों संभाल के नहीं रखती, परमात्मा करे दोनों आंखों से अंधा हो जाए जिनसे इसने मेरी कंवारी बेटी की तरफ बुरी नजर से देखा। सच कहती हूँ, एक रोज ऐसा फसाद होगा, इस तेरी सौगात का मारे जूतों के सर पिलपिला कर दूंगी। बाहर जो चाहे करता फिरे, यहां इसे भले मानसों की तरह रहना होगा, सुना? और ये सुनकर तकाराम की भेंगी बीवी धोती बांधते बांधते बाहर निकल आई। खबरदार मुईचड़ी, जो तूने एक लफ्ज भी और जुबान से निकाला, ये तेरी देवी तो होटल के छोकरों से भी आंख मचोली खेलती है, और तू क्या हम सबको अंधा समझती है? क्या हम सब जानते नहीं कि तेरे घर में नित नए बाबू किस लिए आते हैं? और ये तेरी सुरीता आए दिन बन समर कर बाहर क्यों जाती है? बड़ी आई इज्जत आबरू वाली, जा जा दूर दफा हो यहां से। तकाराम की बीवी के मुतालिक बहुत सी बातें मशहूर थी, लेकिन ये बात खास तौर पर सब लोगों को मालूम थी कि घास लेट वाला, मट्टी का तेल बेचने वाला तेल देने के लिए आता है तो वो इसे अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया करती है। चनाचे सुरीता की माँ ने इस खास बात पर बहुत जोर दिया। वो बार बार नफरत भरे लहजे में इससे कहती, वो तेरा यार घास लेट, दो दो घंटे उसे खोली में बिठा कर क्या तू उसका घास लेट सूंघती रहती है? तकाराम की बीवी से सुरीता की माँ की बोलचाल ज़्यादा देर तक बन न रही थी, क्योंकि एक रोज़ सुरीता की माँ ने रात को अपने इस पड़ोसन को घुप अंधेरे में किसी से मीठी मीठी बातें करते पकड़ लिया था। और दूसरे ही रोज़ तकाराम की बीवी ने, जब वो रात को पाने धोने की तरफ से आ रही थी, सुरीता को एक जेंटलमैन आदमी के साथ मोटर में बैठे देख लिया। चनाचे इन दोनों का आपस में समझौता हो गया था, इसीलिए सुरीता की माँ ने तकाराम की बीवी से पूछा, तूने कहीं सुरीता को नहीं देखा? तकाराम की बीवी ने भेंगी आंख से गली की नुक्कड़ की तरफ देखा, वहाँ घोड़े के पास पटवारी की लौंडिया से खेल रही है। फिर उसने आवाज़ धीमी करके इससे कहा, अभी अभी कशोरी ऊपर गया था कि तुझसे मिला। सुरीता की माँ ने इधर उधर देख कर होले से कहा, ऊपर बिठा आई हूँ, ये सुरीता हमेशा वक्त पर कहीं गायब हो जाती है, कुछ सोचती नहीं, बस दिन भर खेल कूद चाहिए। ये कहकर वो घोड़े की तरफ बढ़ी और जब सीमेंट की बनी मूत्री के पास आई तो सुरीता फौरन उठ खड़ी हुई और इसके चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार पैदा हो गए। जब उसकी माँ ने खश्म आलूद लहजे में उसका बाजू पकड़ कर कहा, चल घर में चल के मर, तुझे तो सवाए उछल कूद के और कोई काम ही नहीं। फिर रास्ते में उसने होले से कहा, कशोरी बड़ी देर से आया बैठा है, एक मोटर वाले सेठ को बुलाया है, चल तू भाग के ऊपर चल और जल्दी जल्दी तैयार हो जा। और सुन, वो नीली जॉर्जेट की साड़ी पहन और देख तेरे बाल भी बहुत बुरी तरह बिखर रहे हैं, तू जल्दी तैयार हो, कंघी मैं कर दूंगी। ये सुनकर के मोटर वाले सेठ आए हैं, सुरीता बहुत खुश हुई। उसे सेठ से इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी के मोटर से थी, मोटर की सवारी इसे बहुत पसंद थी। जब मोटर फराटे भरती खुली खुली सड़कों पर चलती और इसके मुंह पर हवा के तमाचे पड़ते तो इसके दिल में एक नाकाबिले बयां मुसर्रत उबलना शुरू हो जाती।
मोटर में बैठकर उसको हर शय एक हवाई चक्कर दिखाई देती और समझती कि वो खुद एक बगोला है जो सड़कों पर उड़ता चला जा रहा है। सुरीता की उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 बरस की होगी, मगर उसमें भंपा 13 बरस की लड़कियों सा था। औरतों से मिलना जुलना और इनसे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सारा दिन छोटी छोटी लड़कियों के साथ ऊट पटांग खेल में मसरूफ रहती, ऐसे खेल जिनका कोई मतलब ही ना हो। मिसाल के तौर पर वो गली के काले लुक फेरे फर्श पर खरिया मिट्टी से लकीर खींचने में बहुत दिलचस्पी लेती थी, और इस खेल में वो इस इनहमाक से मसरूफ रहती जैसे सड़क पर ये टेढ़ी बंगी लकीर अगर ना खींची गई तो आमदोरफ्त बंद हो जाएगी। और फिर खोली से पुराने टाट उठाकर वो अपनी नन्ही नन्ही सहेलियों के साथ कई कई घंटे उनको फुटपाथ पर झटकने, साफ करने, बिछाने और इन पर बैठने के गैर दिलचस्प खेल में मशगूल रहती थी। सुरीता खूबसूरत नहीं थी, रंग इसका स्याही माइल गंदमी था। बंबई के मरतूब मौसम के बायस इसके चेहरे की जिल्द हर वक्त चिकनी रहती थी, और पतले पतले होंठों पर जो चीकों एक फल जिसका रंग गंदमी होता है के छिलके दिखाई देते थे। हर वक्त खफीफ सी लर्जिश तारी रहती थी। ऊपर के होंठ पर पसीने की 3-4 नन्ही नन्ही बूंदें हमेशा कपकपाती रहती थी। इसकी सेहत अच्छी थी, गलाजत में रहने के बावजूद इसका जिस्म सडोल और मुतनासिब था। ऐसा मालूम होता था कि इस पर जवानी का हमला बड़ी शिद्दत से हुआ है जिसने मुखालिफ कुवतों को दबा के रख दिया है। कद छोटा था जो उसकी तंदुरुस्ती में इजाफा करता था। सड़क पर फुर्ती से इधर उधर चलते हुए जब उसकी मैली घघरी ऊपर को उठ जाती तो कई राह चलने वाले मर्दों की निगाहें इसकी पिंडलियों की तरफ उठ जाती थी, जिनमें जवानी के बायस ताजा रंदा की हुई सागवान की लकड़ी जैसी चमक दिखाई देती थी। इन पिंडलियों पर जो बालों से बिल्कुल बेनियाज थीं, मसामों के नन्हे नन्हे निशान देखकर इन संगतरों के छिलके याद आ जाते थे जिनके छोटे छोटे खुलियों में तेल भरा होता है और जो थोड़े से दबाव पर फव्वारे की तरह ऊपर उठकर आंखों में घुस जाया करता है। सुरीता की बाहें भी सडोल थी, कंधों पर इनकी गोलाई मोटे और बड़े बेढब तरीके पर सिले हुए ब्लाउज के बावजूद बाहर झांकती थी। बाल बड़े घने और लंबे थे, इनमें से खोपरे के तेल की बू आती रहती थी। एक मोटे कोड़े के मानंद इसकी चोटी पीठ को थपकती रहती थी। सुरीता अपने बालों की लंबाई से खुश नहीं थी क्योंकि खेलकूद के दौरान में इसकी चोटी इसे बहुत तकलीफ दिया करती थी और इसे मुख्तलिफ तरीकों से इसको काबू में रखना पड़ता था। सुरीता का दिलो दिमाग हर किस्म के फिक्रो तरद्दुद से आज़ाद था। दोनों वक्त इसे खाने को मिल जाता था। इसकी माँ घर का सब कामकाज करती थी। सुबह को सुरीता 2 बाल्टियाँ भरकर अंदर रख देती और शाम को हर रोज़ लैंप में 1 पैसे तेल भरवा लाती। कई बरसों से वो ये काम बड़ी बाकायदगी से कर रही थी। चनाचे शाम को आदत के बायस खुद ब खुद इसका हाथ इस प्याली की तरफ बढ़ता जिसमें पैसे पड़े रहते थे और लैंप उठाकर वो नीचे चली जाती। कभी कभी यानी महीने में 4-5 बार जब किशोरी सेठ लोगों को लाता था तो इनके साथ होटल में या बाहर अंधेरे मुकामों पर जाने को वो तफरी ख्याल करती थी। इसने इस बाहर जाने के सिलसिले के दूसरे पहलुओं पर कभी गौर ही नहीं किया था। शायद ये समझती थी कि दूसरी लड़कियों के घर में भी किशोरी जैसे आदमी आते होंगे और इनको सेठ लोगों के साथ बाहर जाना पड़ता होगा, और वहाँ रात को वर्ली के ठंडे ठंडे बेंचों पर या जोहो की गीली रेत पर जो कुछ होता है सब के साथ होता होगा। चनाचे इसने एक बार अपनी माँ से कहा था, माँ अब तो शांता भी काफी बड़ी हो गई, इसको भी मेरे साथ भेज दो ना। ये सेठ जो अब आए हैं उबले अंडे खाने को दिया करते हैं,
और शांता को अंडे बहुत भाते हैं। इस पर उसकी माँ ने बात गोलमोल कर दी थी। हाँ हाँ, किसी रोज इसको भी तुम्हारे साथ भेज दूंगी, इसकी माँ पूना से वापस तो आ जाए। और सुरीता ने दूसरे रोज ही शांता को, जब वो संडास से निकल रही थी, ये खुशखबरी सुनाई थी। तेरी माँ पूना से आ जाए तो सब मामला ठीक हो जाएगा, तू भी मेरे साथ वर्ली जाया करेगी। और इसके बाद सुरीता ने इसको रात की बात कुछ इस तरीके पर सुनाना शुरू की थी जैसे उसने एक ही प्यारा सपना देखा है। शांता को, जो सुरीता से 2 बरस छोटी थी, ये बातें सुनकर ऐसा लगा था जैसे इसके सारे जिस्म के अंदर नन्हे नन्हे घुंघरू बज रहे हैं। सुरीता की सब बातें सुनकर भी इसको तसल्ली ना हुई थी। इसका बाजू खींचकर इसने कहा था, चल नीचे चलते हैं, वहां बातें करेंगे। और नीचे उस मूत्री के पास, जहां गर्दहारी बनिया ने बहुत से टाटों पर खोपरे के मैले टुकड़े सुखाने के लिए डाल रखे थे, वो दोनों देर तक कपकपी करने वाली बातें करती रही थी। उस वक्त भी जबकि सुरीता धोती के पर्दे के पीछे नीली जॉर्जेट की साड़ी पहन रही थी, कपड़े के मस ही से इसके बदन पर गुदगुदी हो रही थी और मोटर की सैर का ख्याल इसके दिमाग में परिंदों की सी फड़फड़ाहटें पैदा कर रहा था। अब की बार सेठ कैसा होगा और इसे कहाँ ले जाएगा, ये और इसी किस्म के और सवाल इसके दिमाग में नहीं आ रहे थे। अलबत्ता जल्दी जल्दी साड़ी बदलते हुए इसने 1-2 मरतबा ये ज़रूर सोचा था कि ऐसा ना हो कि मोटर चले और चंद ही मिनटों में किसी होटल के दरवाजे पर ठहर जाए और एक बंद कमरे में सेठ शराब पीना शुरू कर दें और इसका दम घुटना शुरू हो जाए। इसे होटलों के बंद कमरे पसंद नहीं थे जिनमें आमतौर पर लोहे की 2 चारपाइयां इस तौर बिछी होती थीं, गोया इन पर जी भर के सोने की इजाजत ही नहीं है। जल्दी जल्दी उसने जॉर्जेट की साड़ी पहनी और इसकी शिकने दुरुस्त करती हुई एक लम्हे के लिए कशोरी के सामने आ खड़ी हुई। कशोरी जरा देखो, पीछे से साड़ी ठीक है ना? और जवाब का इंतजार किए बगैर वो लकड़ी के उस टूटे हुए बक्स की तरफ बढ़ी जिसमें उसने जापानी सुर्खी रखी हुई थी। एक धुंधले आईने को खिड़की की सलाखों में अटकाकर उसने दोहरी होकर अपने गालों पर पाउडर लगाया और सुर्खी लगाकर जब बिल्कुल तैयार हो गई तो मुस्कुराकर कशोरी की तरफ दाद तलब निगाहों से देखा। शौख रंग की नीली साड़ी में होंठों पर बेतरतीबी से सुर्खी की धड़ी जमाए और सांवले गालों पर प्याजी रंग का पाउडर मले, वो मिट्टी का एक ऐसा खिलौना मालूम हुई जो दिवाली पर खिलौने बेचने वालों की दुकान में सबसे ज्यादा नुमायां दिखाई दिया करता है। इतने में उसकी माँ आ गई। उसने जल्दी जल्दी सुरीता के बाल दुरुस्त किए और कहा, देखो बेटा, अच्छी अच्छी बातें करना और जो कुछ वो कहें मान लेना। ये सेठ जो आए हैं ना, बड़े आदमी हैं, मोटर इनकी अपनी है। फिर कशोरी से मुखातिब होकर कहा, अब तो जल्दी से ले जा इसे, बेचारे कब के खड़े राह देख रहे होंगे। बाहर बड़े बाजार में, जहां एक कारखाने की लंबी दीवार दूर तक चली गई है, एक पीले रंग की मोटर में 3 हैदराबादी नौजवान अपनी अपनी नाक पर रुमाल रखे कशोरी का इंतजार कर रहे थे। वो मोटर आगे ले जाते, मगर मुसीबत ये है कि दीवार दूर तक चली गई थी और इसके साथ ही पेशाब का सिलसिला भी। जब गली के मोड़ से उस नौजवान को, जो मोटर का हैंडल थामे बैठा था, कशोरी नजर आया तो उसने अपने बाकी 2 साथियों से कहा, लो भाई आ गए, ये है कशोरी। और उसने मोटर की तरफ निगाहें जमाए रखी और, अरे ये तो बिल्कुल ही छोटी लड़की है, ज़रा तुम भी देखो ना। अरे भाई वो नीली साड़ी में। जब कशोरी और सुरीता दोनों मोटर के पास आ गए तो पिछली सीट पर जो 2 नौजवान बैठे थे, उन्होंने दरमियान में से अपने हैट वगैरह उठा लिए और जगह खाली कर दी। कशोरी ने आगे बढ़ के मोटर के पिछले हिस्से का दरवाज़ा खोला और फुर्ती से सुरीता को अंदर दाखिल कर दिया। दरवाज़ा बंद करके कशोरी ने उस नौजवान से, जो मोटर का हैंडल थामे था, कहा, माफ़ कीजिएगा देर हो गई, ये बाहर अपनी किसी सहेली के पास गई हुई थी। तो नौजवान ने मुड़कर सुरीता की तरफ देखा और कशोरी से कहा, ठीक है, लेकिन देखो। सरक कर मोटर की इस खिड़की में से उसने अपना सर बाहर निकाला और होले से कशोरी के कान में कहा,
शोर वोर तो नहीं मचाएगी? कशोरी ने इसके जवाब में अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, सेठ आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये सुनकर उस नौजवान ने जेब में से 2 रुपए निकाले और कशोरी के हाथ में थमा दिए। जाओ ऐश करो। कशोरी ने सलाम किया और मोटर स्टार्ट हुई। शाम के 5 बजे थे। बंबई के बाजारों में गाड़ियों, ट्रामों, बसों और लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज्यादा थी। सुरीता खामोशी से 2 आदमियों के बीच में दबकी बैठी रही, बार बार अपने रानों को जोड़कर ऊपर हाथ रख देती और कुछ कहते कहते खामोश हो जाती। वो दरअसल मोटर चलाने वाले नौजवान से कहना चाहती थी, सेठ जल्दी जल्दी मोटर चलाओ, मेरा तो यूं दम घुट जाएगा। बहुत देर तक मोटर में किसी ने एक दूसरे से बात ना की। मोटर वाला मोटर चलाता रहा और पिछली सीट पर दोनों हैदराबादी नौजवान अपनी अचकनों में वो इस तरह छुपाते रहे जो पहली दफ़ा एक नौजवान लड़की को बिल्कुल अपने पास देखकर उन्हें महसूस हो रहा था। ऐसी नौजवान लड़की जो कुछ अरसे के लिए उनकी अपनी थी, यानी जिससे वो बिला खौफ व खतर छेड़छाड़ कर सकते थे। वो नौजवान जो मोटर चला रहा था 2 बरस से बंबई में कयाम पजीर था और सुरीता जैसी कई लड़कियां दिन के उजाले और रात के अंधेरे में देख चुका था। इसकी पीली मोटर में मुख्तलिफ रंगों नस्ल की छोकरियां दाखिल हो चुकी थीं, इसलिए इसे कोई ख़ास बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। हैदराबाद के इसके 2 दोस्त आए थे, इनमें से एक जिसका नाम शहाब था, जो बंबई में पूरी तरह सैरो तफरी करना चाहता था। इसलिए कफायत ने, यानी मोटर के मालिक ने, अजरा दोस्त नवाजी कशोरी के ज़रिए से सुरीता का इंतज़ाम कर दिया था। दूसरे दोस्त अनवर से कफायत ने कहा कि भाई तुम्हारे लिए भी एक रहे तो क्या हर्ज है, मगर इसमें चूँकि इखलाकी कुव्वत कम थी इसलिए शर्म के मारे वो ये ना कह सका कि हाँ भाई मेरे लिए भी एक रहे। कफायत ने सुरीता को पहले कभी नहीं देखा था क्योंकि कशोरी बहुत देर के बाद ये नई छोकरी निकाल कर लाया था, लेकिन इस नएपन के बावजूद इसने अभी तक इससे दिलचस्पी ना ली थी, शायद इसलिए कि वो एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकता था। मोटर चलाने के साथ साथ वो सुरीता की तरफ ध्यान नहीं दे सकता था। जब शहर ख़त्म हो गया और मोटर मुज़ाफ़ात की सड़कों पर चलने लगी तो सुरीता उछल पड़ी। वो दबाव जो अब तक इसने अपने ऊपर डाल रखा था, ठंडी हवा के झोंकों और उड़ती हुई मोटर ने एकदम उठा दिया और सुरीता के अंदर बिजलियां सी दौड़ने लगी। वो सरतपा हरकत बन गई, इसकी टांगें थरकने लगी, बाजू नाचने लगे, उंगलियाँ कपकपाने लगीं और वो अपने दोनों तरफ भागते हुए दरख्तों को दौड़ती हुई नज़रों से देखने लगी। अब अनवर और शहाब आराम महसूस कर रहे थे। शहाब ने, जो सुरीता पर अपना हक समझता था, होले से अपना बाजू इसकी कमर में हायल करना चाहा। एकदम सुरीता के गुदगुदी उठी, तड़प कर वो अनवर पर जा गिरी और पीली मोटर की खिड़कियों में से दूर तक सुरीता की हंसी बहती गई। शहाब ने जब एक बार फिर इसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया तो सुरीता दोहरी हो गई और हंसते हंसते उसका बुरा हाल हो गया। अनवर एक कोने में दबका रहा और मुंह में थूक पैदा करने की कोशिश करता रहा। शहाब के दिलो दिमाग में शोक रंग भर गए। उसने कफायत से कहा, वल्लाह बड़ी करारी लोंडिया है। ये कहकर उसने ज़ोर से सुरीता की रान में चुटकी भरी।
सुरीता ने इसके जवाब में अनवर का होले से कान मरोड़ दिया, इसलिए कि वो इसके बिल्कुल पास था। मोटर में कह कहे उबलने लगे। कफायत बार बार मुड़कर देखता था, हालांकि इसे अपने सामने छोटे से आईने में सब कुछ दिखाई दे रहा था। कहकहों के जोर का साथ देने की खातिर उसने मोटर की रफ्तार भी तेज कर दी। सुरीता का जी चाहा कि बाहर निकलकर मोटर के मुंह पर बैठ जाए, जहां लोहे की उड़ती हुई परी लगी थी। वो आगे बढ़ी, शहाब ने इसे छेड़ा, सो संभलने की खातिर इसने कफायत के गले में अपनी बाहें हमाइल कर दी। कफायत ने गैर इरादी तौर पर इसके हाथ चूम लिए, एक सनसनी सी सुरीता के जिस्म में दौड़ गई और फांद कर अगली सीट पर कफायत के पास बैठ गई। तुम्हारा नाम क्या है, उसने कफायत से पूछा। मेरा नाम, कफायत ने पूछा। मेरा नाम कफायत है, ये कहकर उसने 10 रुपए का नोट इसके हाथ में दे दिया। सुरीता ने इसके नाम की तरफ कोई तवज्जो ना दी और नोट अपनी चोली में उड़सकर बच्चों की तरह खुश होकर कहा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारी ये टाई बहुत अच्छी है। इस वक्त सुरीता को हर शय अच्छी नजर आ रही थी। वो चाहती थी कि जो बुरे भी हैं अच्छे हो जाएं, और फिर ऐसा हो कि मोटर तेज दौड़ती रहे और हर शय हवाई बगोला बन जाए। एकदम उसका जी चाहा कि गाए, चनाचे उसने कफायत की टाई से खेलना बंद करके गाना शुरू कर दिया। तुम ही ने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। कुछ देर ये फिल्मी गीत गाने के बाद सुरीता एकदम पीछे मुड़ी और अनवर को खामोश देखकर कहने लगी, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, कोई बात करो, कोई गीत गाओ। ये कहती हुई वो उचक कर पिछली सीट पर चली गई और शहाब के बालों में उंगलियों से कंघी करने लगी। आओ हम दोनों गाएं, तुम्हें याद है वो गाना जो देविका रानी ने गाया था, मैं बन के चिड़िया बन के बोलूं रे। देविका रानी कितनी अच्छी है, ये कहकर उसने दोनों हाथ जोड़कर अपनी ठोड़ी के नीचे रख लिए और आंखें झपकाते हुए कहा, अशोक कुमार और देविका रानी पास पास खड़े थे। देविका रानी कहती थी, मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, और अशोक कुमार कहता था, तुम कहो ना। सुरीता ने गाना शुरू कर दिया, मैं बन के चिड़िया बन के बोलूं रे। शहाब ने भद्दी आवाज में गाया, मैं बन के पंछी बन के बन बन बोलूं रे, और फिर बाकायदा डुएट शुरू हो गया। कफायत ने मोटर का हॉर्न बजाकर ताल का साथ दिया। सुरीता का बारीक सुर, कफायत की फटी हुई आवाज, हॉर्न की पांपां, हवा की साएं और मोटर के इंजन की फरफराहट, ये सब मिलजुल कर एक ऑर्केस्ट्रा बन गए। मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, मैं बन के चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे। सुरीता खुश थी, शहाब खुश था, कफायत खुश था। इन सब को खुश देखकर अनवर को भी खुश होना पड़ा। वो दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ कि ख्वाम ख्वाह इसने अपने को कैद कर रखा है। इसके बाजुओं में हरकत पैदा हुई, इसके सोए हुए जज्बात ने अंगड़ाइयां ली और वो सुरीता शहाब और कफायत की शोर अफशां खुशी में शरीक होने के लिए तैयार हो गया। गाते गाते सुरीता ने अनवर के सर से उसका हैट उतार कर अपने सर पहन लिया और ये देखने के लिए कि उसके सर पर कैसा लगता है, उचक कर अगली सीट पर चली गई और नन्हे से आईने में अपना चेहरा देखने लगी। अनवर सोचने लगा कि क्या मोटर में वो शुरू ही से हैट पहने बैठा था। सुरीता ने जोर से कफायत की मोटी रान पर तमाचा मारा, अगर मैं तुम्हारी पतलून पहन लूं और कमीज पहनकर ऐसी टाई लगा लूं तो क्या पूरा साहब ना बन जाऊं। ये सुनकर शहाब की समझ में ना आया कि वो क्या करे, चनाचे उसने अनवर के बाजुओं को झंझोड़ दिया, वल्ला तुम निरी चुगद हो। और अनवर ने थोड़ी देर के लिए महसूस किया कि वो वाकई बहुत बड़ा चुगद है। कफायत ने सुरीता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम, सुरीता ने हैट के फीते को अपनी ठोड़ी के नीचे जमाते हुए कहा। मेरा नाम सुरीता है, शहाब पिछली सीट से बोला। सुरीता तुम औरत नहीं फूल झड़ी हो, अनवर ने कुछ कहना चाहा
मगर सुरीता ने ऊंचे सुरों में गाना शुरू कर दिया। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब संसार। कफायत और शहाब के दिल में बयक वक्त ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ये मोटर यूं ही सारी उम्र चलती रहे। अनवर फिर सोच रहा था कि वो चुगद नहीं तो क्या है। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में तज के सब संसार। संसार के टुकड़े देर तक उड़ते रहे। सुरीता के बाल जो इसकी चोटी की गिरफ्त से आजाद थे यूं लहरा रहे थे जैसे गाढ़ा धुआं हवा के दबाव से बिखर रहा है। वो खुश थी, शहाब खुश था, कफायत खुश था और अब अनवर भी खुश होने का इरादा कर रहा था। गीत खत्म हो गया और सबको थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जो जोर की बारिश हो रही थी एकाएक ही थम गई है। कफायत ने सुरीता से कहा, कोई और गीत गाओ। शहाब पिछली सीट से बोला, हाँ हाँ एक और रहे, ये सिनेमा वाले भी क्या याद करेंगे। सुरीता ने गाना शुरू कर दिया। मोरे अंगना में आए आली मैं चाल चलूं मत वाली। मोरे अंगना में आए आली मैं चाल चलूं मत वाली। मोटर भी मतवाली चाल चलने लगी। आखिरकार सड़क के सारे पेच खत्म हो गए और समुंदर का किनारा आ गया। दिन ढल रहा था और समुंदर से आने वाली हवा खनकी इख्तियार कर रही थी। मोटर रुकी, सुरीता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और साहिल के साथ साथ दूर तक बेमकसद दौड़ती चली गई। कफायत और शहाब भी इस दौड़ में शामिल हो गए। फिजा में बेपाया समुद्र के पास ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों तले गीली गीली रेत पर सुरीता समझ न सकी कि वो क्या चाहती है। इसका जी चाहता था कि बायक वक्त फिजा में घुल मिल जाए, समुद्र में फैल जाए, इतनी ऊंची हो जाए कि ताड़ के दरख्तों को ऊपर से देखे, साहिल की रेत की सारी नमी पैरों के जरिए से अपने अंदर जज्ब कर ले और फिर वही मोटर हो, वही उड़ाने, वही तेज तेज झोंके और वही मुसलसल पों पों। वो बहुत खुश थी। जब तीनों हैदराबादी नौजवान साहिल की गीली गीली रेत पर बैठकर बियर पीने लगे तो कफायत के हाथ से सुरीता ने बोतल छीन लिया। ठहरो मैं डालती हूँ। सुरीता ने इस अंदाज से ग्लास में बियर उंडेली कि झाग ही झाग पैदा हो गए। सुरीता ये तमाशा देखकर बहुत खुश हुई। सांवले सांवले झागों में इसने अपनी उंगली खपोई और मुंह में डाल ली। जब कड़वी लगी तो बहुत बुरा मुंह बनाया। कफायत और शहाब बेइख्तियार हंस पड़े। जब दोनों की हंसी बंद हुई तो कफायत ने मुड़कर अपने पीछे देखा, अनवर भी हंस रहा था। बियर की 6 बोतलें कुछ तो झाग बनकर साहिल की रेत में जज्ब हो गई और कुछ कफायत, शहाब और अनवर के पेट में चली गई। सुरीता गाती रही। अनवर ने एक बार इसकी तरफ देखा और ख्याल किया कि सुरीता बियर की बनी हुई है। इसके सांवले गाल समुद्र की नम आलूद हवा के मस से गीले हो रहे थे। वो बेहद मसरूर थी। अब अनवर भी खुश था। इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि समुंदर का सब पानी बियर बन जाए और वो इसमें गोते लगाए, सुरीता भी डुबकियां लगाए। 2 खाली बोतलें लेकर सुरीता ने एक दूसरे से टकरा दी। झनकार पैदा हुई और सुरीता ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। कफायत साहब और अनवर भी हंसने लगे।
हंसते हंसते सुरीता ने कफायत से कहा, आओ मोटर चलाएं। सब उठ खड़े हुए। खाली बोतलें गीली गीली रेत पर ऊंधी पड़ी रही और वो सब भागकर मोटर में बैठ गए। फिर वही हवा के तेज तेज झोंके आने लगे, वही मुसलसल पौंपों शुरू हुई और सुरीता के बाल फिर धुएं की तरह बिखरने लगे। गीतों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। मोटर हवा में आरे की तरह चलती रही। सुरीता गाती रही। पिछली सीट पर शहाब और अनवर के दरमियान सुरीता बैठी थी। अनवर ऊंग रहा था। सुरीता ने शरारत से शहाब के बालों में कंघी करना शुरू की, मगर इसका नतीजा ये हुआ कि वो सो गया। सुरीता ने जब अनवर की तरफ रुख किया तो उसे वैसा ही सोया हुआ पाया। इन दोनों के बीच में से उठकर वो अगली सीट पर कफायत के पास बैठ गई और आवाज़ दुबाकर इसे होले से कहने लगी, आपके दोनों साथियों को सुला आई हूँ, अब आप भी सो जाएं। कफायत मुस्कुराया, फिर मोटर कौन चलाएगा? सुरीता भी मुस्कुराई, चलती रहेगी। देर तक कफायत और सुरीता आपस में बातें करते रहे। इतने में वो बाजार आ गया जहां कशोरी ने सुरीता को मोटर के अंदर दाखिल किया था। जब वो दीवार आई जिस पर यहां पेशाब करना मना है कि कई बोर्ड लगे थे, तो सुरीता ने कफायत से कहा, बस यहां रोक लो। मोटर रुकी। बेशतर इसके कि कफायत कुछ सोचने या कहने पाए, सुरीता मोटर से बाहर थी। इसने इशारे से सलाम किया और चल दी। कफायत हैंडल पर हाथ रखे गालिबन सारे वाक्य को जहन में ताजा करने की कोशिश कर रहा था कि सुरीता के कदम रुके, मुड़ी और चोली में से 10 रुपए का नोट निकाल कर कफायत के पास सीट पर रख दिया। कफायत ने हैरत से नोट की तरफ देखा और पूछा, सुरीता सुरीता ये क्या? ये रुपए मैं किस बात के लूं? कहकर सुरीता फुर्ती से दौड़ गई और कफायत सीट के गद्दे पर पड़े हुए नोट की तरफ देखता रह गया। इसने मुड़कर पिछली सीट की तरफ देखा, शहाब और अनवर भी नोट की तरह सो रहे थे।